हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आओ। जो आज का वीडियो है, हम इसमें एम्बोसिंग डाई करेंगे। तो आज का जो एम्बोसिंग डाई है वो थोड़ा सा अलग तरीके से है, क्योंकि आज जो हम एम्बोसिंग डाई करने वाले हैं, जो फेब्रिक्स होती है, जो इवाज डाई होती है, हम उसके ऊपर करने वाले हैं। तो कभी भी आपके पास कुछ भी आ सकते हैं। कभी कभी शूज की जो शूज होती है वहां पे भी एम्बोसिंग डाई होती है, कपड़े में भी एम्बोसिंग डाई होती है। बेसिकली हम एम्बोसिंग डाई बनाना सिखाएंगे। तो ऑलरेडी मैं एम्बोसिंग डाई बना चुका हूँ। जिसको भी वीडियो नहीं है वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख ले, क्योंकि आज का जो एम्बोसिंग डाई होने वाला थोड़ा सा अलग तरीके से होने वाला है। तो मैं बेसिकली आपको सबसे पहले जो पार्ट है मैं दिखा देता हूँ आपको पार्ट। तो ये मेरा पार्ट है, कुछ इसी तरीके से एम्बोसिंग होने वाला है। और ये जो पार्ट है आपको मैं एक बार इसकी जो लेंथ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहां से जैसे आप देख रहे हो, यहां से 12 mm का है, ठीक है। और जो यहाँ पे मेरा देखोगे तो बेसिकली जो एम्बोजिंग डाई होती है, जो फैब्रिक के लिए बनती है, वो ब्रास का बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 mm का बनाएंगे। बेसिकली जो मेरा पार्ट होगा 12 mm का होगा। बट यहाँ पे सेक्शन काट के मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे गैप है। तो बेसिकली हम जो इसको जो फैब्रिक होती है उसको ग्रो करने के लिए हम 2 mm जो है ऑफसेट रहते हैं, हम रिलीफ रहते हैं। बट 2 mm से लेकर 3 mm आप रिलीफ रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 14 mm का गैप रख दिया। बट बेसिकली मेरा जो फैब्रिक ग्रो होगा वो होगा मेरा 12 mm का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके इसको बनानी है। तो आज मैं इसके बारे में आपको रफ आइडिया दूंगा। तो ये जो है डबल साइडेड एम्बोजिंग डाई है। तो यहाँ पे भी एम्बोजिंग होगा, नीचे भी एम्बोजिंग होगा। आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे भी एम्बोजिंग होगा। तो डबल साइडेड एम्बोजिंग होती है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा, हमेशा ये सेंटर से काटती है। तो यहाँ पे देखोगे तो सेंटर से होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ पे ये होगा ये 0-0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मेरा प्लेट है तो वो किसका है? ब्रास का है। हमने ब्रास क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ इसमें क्या हीटिंग लगती है। तो आपका जो प्लेट है, मेरा टॉप प्लेट है, यहाँ पे भी हीटिंग होती है। जो मेरा पकड़ा है प्लेट है, दोनों में हीटिंग होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रास का यूज करते हैं। ब्रास क्या होती है, जो हीट कंडक्शन होती है ना, बहुत बढ़िया होती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है तो बहुत ही बढ़िया होती है ब्रास का। तो दोस्तों, इसमें जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैं सेक्शन काट के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डबल लगा रखा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल। डबल हम क्यों लगाते हैं? डबल हम इसलिए लगाते हैं कि इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो, कि ये घूम ना जाए, रोटेट ना हो जाए, प्रॉपर अलाइनमेंट हो, इसलिए हम इसमें डबल लगाते हैं। तो आज मैं एक एम्बोसिंग डाई बना रहा था, तो मैं सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बना लूं। तो मैं सोच रहा था एक वीडियो बना दूं आप लोग के लिए। तो ये दोस्तों डबल साइडेड एम्बोसिंग डाई है, ठीक है, दोनों साइड में है इसमें। और इसमें मैं आपको एक चीज अलग से ऐड करना चाहता हूँ। अगर मान लो आपको कोई एम्बोसिंग डाई है जिसमें आपको कटिंग भी करना है, ठीक है, जिसमें एम्बोजिंग भी हो कटिंग में भी हो, तो इस केस में ना आपको अलग से क्या लगाना पड़ेगा, पंच लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पंच बनती है तो इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाती है मोड। क्यों हो जाती है? कि उसमें अगर पंच लगा रहे हो तो इसके आपको क्या लगाना पड़ेगा, कटिंग होगा। तो इसमें आपको स्प्रिंग चाहिए, कुछ तो प्लेट चलेंगे ना, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको स्प्रिंग चाहिए। स्प्रिंग लगाओगे तो इसके अलग से कैलकुलेशन आएंगे। ऑलरेडी मैंने स्प्रिंग का कैलकुलेशन डाल रखा हूँ, जिसको भी नहीं पता जाके देख ले, या गूगल यूट्यूब में सर्च कर ले स्प्रिंग कैलकुलेशन सीएमडी, उसको मिल जाएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको स्प्रिंग की कैलकुलेशन मिल जाएगा। जैसे मैं इसमें अगर पंच लगाऊंगा जिसमें मैं एम्बोजिंग भी होगा, जैसे यहाँ पे मेरा अगर एम्बोजिंग भी हो रही है तो यहाँ पे साइड में कटिंग भी हो रही है, तो उस केस में आपको लिमिट बोल भी लगाना पड़ेगा, कितना लिमिट कटिंग करना है, क्या होगा। तो इस तरीके से आपको लिमिट बोल भी डालना पड़ेगा। बट जहाँ पे आप अगर मान लो एम्बोजिंग भी हो रही है, पंचिंग हो गई, इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया वहां पे क्या आती है, जो ब्लेड होती है ना, जो पंचिंग की ब्लेड बनती है ना, वो टूटता है, ठीक है ना, क्योंकि लोग उसकी सही ड्राफ्टिंग नहीं दे पाते, सही जो ड्राफ्ट एंगल होती है वो नहीं दे पाती है, इसकी थिकनेस मेंटेन नहीं कर पाती है, तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है। ब्रेक होता है प्रॉपर तरह से, कटिंग नहीं होती है, वो ब्लैंड हो जाती है, तो ये सब तरीके से जो है प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो आई होप इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको इस तरीके से एम्बोजिंग डाई वगैरह बनानी है तो आप सीख सकते हो मेरे से बनाना। तो मैं ये शेयर कर दूंगा, नीचे इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, बना के दिखाओ। और जिसको भी सही है फाइल, अपना मेल आईडी डालते हो कमेंट सेक्शन पे। तो इसी तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसी तरीके से मैं वीडियो डालते रहूंगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है, जो भी आप एम्बोसिंग डाई वगैरह बनाओगे, ऑलरेडी शीट मेटल का मैंने बहुत सारा वीडियो कवर किया हो, मोड डिजाइन का बहुत सारा वीडियो कवर किया हो, जिन लोग को भी नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर किसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, वहां पे कॉन्टेक्ट कर ले, क्योंकि इसी तरीके से मैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। तो बेसिकली आज मैंने आपको एम्बोजिंग डाई वगैरह कैसे बनाते हैं, क्या क्या पैरामीटर होती है, मैंने आपको समझाया। इसको कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बनाने में गलती आती है, डिटेल में हम जाएंगे। अगर आपको और वीडियो चाहिए इस तरीके से, अगर आपको पंचिंग के साथ एम्बोजिंग दोनों डाई एक साथ चाहिए, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।
मैं इस, अगर सही रेस्पॉन्स रहेंगे तो मैं इसके भी अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।